नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे मास्टर सेलेशन में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपके सामने दुनिया का कितना भी मजबूत इंसान खड़ा हो जाता है, कितना भी आपसे पावरफुल हो, कितना भी आपसे लंबा छोड़ा इंसान हो, आज मैं आपको बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स बताने वाला हूं कि आप इस अटैक का इस्तेमाल करके आसानी से आप अपना सेल्फ डिफेंस कर पाएंगे। दुनिया का कोई सा भी शख्स हो इन टेक्निक्स का मुकाबला नहीं कर सकता है। इत्मीनान से देखिएगा इस वीडियो को, एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। और आगे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे लिंक कॉपी करके आगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि हर बंदा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रेडी रह पाए। कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारा अपोनेंट भी तो देख रहा होगा, हमारा दुश्मन भी तो देख रहा होगा। जो वीडियो देख रहा होगा कभी भी सेल्फ डिफेंस के लिए रेडी हो रहा है, ना कि अटैक के लिए। अटैक के लिए गन है, बम है, बहुत कुछ है। सेल्फ डिफेंस के लिए मैं आपको रेडी करता हूँ, ना कि किसी की जान लेने के लिए। आप अपना बचाव कीजिए, दैट्स इट। अब बताता हूँ दोस्तों वो टेक्निक्स हैं कौन कौन सी। टेक्निक बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं मेरे थ्रू जुड़ करके, बेहतरीन से पावरफुल स्टेमिनाफुल एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, केवल इतने लिखेगा मुझे मार्शल आर्ट सीखना है या आई वॉन्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग एट होम। इसकी मंथली फीस होती है 500 रुपीज़। केवल 500 फीस पे करके आप बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें वेपन्स भी सिखाया जाता है, लाठी, तलवार, नॉनचक, सबका ज्ञान यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और इसका सर्टिफिकेट अगर आप चाहेंगे तो सर्टिफिकेट भी आपको अवेलेबल करा के दिया जाता है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, घबराहट। आपका सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? घबराहट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। होपलेस, नर्वसनेस, ये सारी चीजें आपको कभी भी रोड फाइट में जीतने नहीं दे सकती। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये भावते हैं कि मैं इससे जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, आप ये नहीं भावते हैं कि इसके कहां पे अटैक करूंगा ताकि मैं जीत जाऊं। आप डिफेंस मोड पे पहले ही हैं, कभी भी एग्रेशन मोड पे रहिए। अगर आप इससे रोड फाइट हो जा रही किसी से, तो आप ये मत सोचिए कि ये मुझसे जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, आप ये सोचिए मैं इसे किस तरीके से हराने की कोशिश करूं। सबसे पहली चीज, सामने हमको क्या दिखता है? कॉलर। अक्सर आप यहां पकड़ते हैं, इसी में बस थोड़ी सी उंगलियां सीधी कर दीजिए और सीधे गर्दन घुसेड़ दीजिए, हल्का सा, बहुत इतना जोर से मत मार दीजिए उसी डेथ हो जाए। हल्का सा ये रखे, ये धकेल दिए हल्का सा, ओके। देखो ये सबसे आसान तरीका है। आप कॉलर पकड़ने जाते हैं, वो उसने कॉलर पकड़ा, आपने कॉलर पकड़ लिया। दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान ऐसा करता है कि रिएक्शन में उसने भी कॉलर पकड़ा, खड़ा है वो। बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत है। देखिए इसने कॉलर पकड़ा, ये आपको बस यहाँ से हल्का सा यहाँ उंगली मार देनी है, तुरंत छोड़ करके हट जाएगा। दूसरी टेक्निक देखिए, ये खड़े हैं इस तरीके से, दोनों हाथों से पकड़ लिया, आप पकड़े झिझोर रहा है इधर से उधर, ये पकड़ा, ये सिंपल, हाथ या बीच से निकालिए, नाक के ऊपर टपाक से मारिए, ये हाथ निकाले या ऊपर से चाहे यहाँ से, ये नाक के ऊपर सीधा हाथ, सीधा हाथ यहाँ से खींच के मारिए, देन यहाँ से बैंड, तुरंत छोड़ देगा बंदा। उसके बाद देखिए, अब बगल में बंदा खड़ा है, बिल्कुल बगल में इस तरीके से, और आपसे तू तू मैं हो रही है इससे, ये भी मारने के एक्शन में, आप भी मारने के एक्शन में। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक, सीधे पैर उठाइए, इसे घुटने पे दे मारिए, इस तरीके से खड़ा है दोस्तों। आपको पता है कि अगर मैं इसे हाथापाई करने जाऊंगा तो ये मुझसे जीजा लंबा जोड़ा है, सीधे पैर उठाइए और इसे घुटने में मार दीजिए खींच करके। सो सिंपल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस तरीके से खड़े हैं, सीधे खींच करके इसे घुटने के ऊपर किक, यहाँ पे किक लगेगी, सीधे अंदर की तरफ डैमेज हो जाएगा। और कितना भी मजबूत इंसान हो इसका मुकाबला नहीं कर सकता कि उसके ऊपर यहाँ प्रेशर पड़ रहा हो और वह बंदा पीछे ना हट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ट्राई करके देखिए, धीरे ट्राई कीजिएगा, किसी पर ट्राई करके देखिए, तुरंत बंदा पीछे हट जाएगा। उसके बाद देखिए सामने पसलियाँ हैं, साइड की पसलियाँ, अब आप इसको कैसे यूज करोगे? कॉलर पकड़ रखी बंदे ने, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, आपको हाफ नेकल्स बनाना है, पूरा पंच नहीं, पूरा पंच नहीं मारना है, ऐसे बनाना है नेकल्स, और खींच करके सिर्फ पसलियों के ऊपर मारना है। ये देखिए, आइए पास से दिखाता हूँ मैं आपको, बंदे ने कॉलर पकड़ा, अब हमको ये पंच पूरा नहीं बांधाना, इसको पूरा बांध कैसे पावर नहीं दिखानी है, हल्का खुला हुआ, ताकि ये नेकल्स लगे, और यहाँ से खींच करके सिर्फ पसलियों के ऊपर पूरी पावर से, ये देखिए पूरी पावर से इसके पसलियों पे खींच करके मारना है, देन यहाँ से इसे बैंड और हाथ यहाँ से फोल्ड इस तरीके से। अब तो दोस्तों कितना भी मजबूत इंसान हो तुरंत वो दर्द से कराना शुरू कर देगा और आपसे छमाई भीख मांगना शुरू कर देगा। नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए कि साइड में कोई बंदा है, देखिए साइड में कोई बंदा खड़ा है और आपको एक झटके में से गिरा के वहाँ से भाग जाना है, आपसे इससे तू तू मैं हो गई और आप चाहते हो कि मैं इसे एक ही झटके में इसे अटैक करूं और वहां से निकल जाऊं, तो यहां पे सबसे सिंपल सी चीज़ कौन सी होती है? यहां से एक बित्ती दूरी, गले की जो हड्डी है यहां से एक बित्ती दूरी,
आपको यहाँ पे अटैक करना है, यहाँ इस तरीके से, यहाँ से ये अटैक, सीधा हाथ खींच करके चाप, चाप से वो मरेगा नहीं, दत नहीं होगी उसकी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, दत नहीं होगी वो, उसके कलेजा हिल जाएगा, आंखों सामने अंधेरा छा जाएगा तुरंत। खड़े इस तरीके से, हल्का सामने देखे, हल्का बगल में, और खींच कर आपने चाप मारा, इसमें एल्बो मत मार दीजिएगा, एल्बो मारने बाद डेथ होने के चांसेस हैं, एल्बो नहीं मारना है, याद रखिएगा, इसको हमें मारना है यहाँ से, ये चाप खींच करके मारना है, यहाँ से पूरा चाप। अक्सर आप लोग पुंसे में देखते होंगे ये मूव करवाया जाता है, ये वही चीज़ है, ये पुंसे का ही किस स्टेप है, ये रखे, ये खींच करके यहाँ पे मारे, खींच करके और तुरंत वहाँ से दूर हट। उसके बाद देखिए बंदा सामने खड़ा, कॉलर पकड़ लिया उसने, कॉलर पकड़ा, अब आप भी कॉलर पकड़ने जा रहे हो, तो समझ लीजिए ये तो मूर्ख ही है, आप भी मूर्ख बन गए साथ में। नेकल्स बनाने उसी तरीके से जैसे पछलियों के लिए बताया, नेकल्स, और खींच के इसके कनपटी के ऊपर मारने हैं, जहाँ पे, जहाँ पे आपने देखा होगा फैशन में लड़के बाल कटवा करके रखते हैं उसके ऊपर, इससे उसी दत नहीं होगी, चक्कर आ जाएगा तुरंत उसे, यहाँ से खींच करके ये फेस के ऊपर, ये नेकल्स, ये सीधा ले जाके आंखों के हड्डियों के ऊपर इस जगह पे, देखिए क्लोज से मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो जगह होगी, कम ये देखिए, ये वो जगह होगी जहाँ पे आपको अटैक करनी, ये चीज़, ये कान के जस्ट बगल में, तुरंत आंखों सामने अंधेरा छा जाएगा और तुरंत बंदा पीछे हट जाएगा, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसा तभी करना है जब आप पे जान पे बन जाए, ऐसा नहीं है कि जरा सी बात हुई जमा दिया लेकर के, कि मैंने मास्टर सेल ऐसी वीडियो देखी है, काम कर दिया उसका, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस टेक्निक को आप कहाँ यूज़ करोगे, टेक्निक मुझे ऐसी ऐसी पता है, मैं आपको बता दूंगा तो आप अगले ही दिन दो चार मर्डर करके घर बैठ जाओगे, इसीलिए बहुत सोच समझ बताना पड़ता है, बहुत कुछ छुपा कर बताना पड़ता है, इसका यूज़ ऐसे कहीं भी मत कर दीजिएगा, ये वार्निंग मेरी तरफ से, और इससे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ही आपको यूज़ करना है। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, बंदे ने कॉलर पकड़ा, तो अभी आपको यहाँ से घुमा करके पंच नहीं मार पा रहे हैं, देन आप क्या करेंगे, ये हाथ है, इस हाथ को हल्का सा बैंड, और ये पंच ले करके सीधा इसके पसलियों के ऊपर, देखिए वन मोर टाइम स्पीड से देखिए, कॉलर पकड़ा बंदे ने ये, और यहाँ से ये पसलियों के ऊपर पंच, कैसे मारना है पंच वो देखिए, जैसे हम इसे मोड़ेंगे वो पास आ जाएगा, क्योंकि हाथ तो मुड़ा हुआ है, मोड़े और ये देखिए पूरा यहाँ से फ्री हो गया, यहाँ से ये सीधा खींच करके अपर कट, यहाँ से ये सीधा पसली के ऊपर अटैक करना है, तुरंत बंदा डैमेज। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए फटाक से, और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिए, ऑल पे हिट नहीं करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप नहीं मिलेगी, सब्सक्राइब करने का कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।